एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अभी आज की मेरी वीडियो जो होने वाली है वो दिवाली के लिए है। मतलब मेरे ऑफिस में फंक्शन था तो उसी की मैं तैयारी कर रही हूँ। एंड आगे ऑफिस का भी आपको पूरा व्लॉग दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मेरा बाल जो है कर्ली करने का था बहुत दिनों से, तो मुझे इसी चीज़ का इसी दिन का वेट था कि मैं दिवाली पर ही अपने बाल कर्ली करूँगी। एंड मेरे पास कोई कर्लर वगैरह नहीं है तो मैंने इजी तरीके से ही ऐसे ही करके अपने बाल कर्ली किए थे। एंड सीरियसली अगर मेरे पास कर्लर होता भी, मेरे बाल लॉन्ग है तो उससे मुझे बहुत मुश्किल होती करने में। एंड चुन्नी से इतने ईजली तरीके से हो जाते हैं ना ये कर्ली बाल जैसे मुझे चाहिए, बट मेरे बाल जो है थोड़े स्ट्रेट मतलब सिल्की है तो वो थोड़े खुल भी जाते हैं जल्दी। मुझे डर था कि ये शाम तक जो है खुल जाएंगे, मतलब स्ट्रेट हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। मैंने अच्छे से हेयर वॉश करके बहुत ही अच्छे तरीके से इनको टाइट रोल किया था ऐसे चुन्नी के ऊपर सारे बालों को, तो ये पूरा दिन चल गए थे। तो ये मैंने ओवरनाइट के लिए रखा था एंड ऐसे बन बना लिया था। एंड कुछ भी होता है फंक्शन वगैरह, मेरे पिंपल सबसे पहले आ जाते हैं, मुझे दिखने मुझे पता नहीं मतलब क्या ही होता है मेरे साथ ये। उसके बाद मैं मेकअप मेरा डन हो चुका है, मेकअप के बाद मैं आपको अब फाइनल लुक दिखाऊंगी अपना अपने बाल कर्ली खोल कर। तो ये है मेरा फाइनल लुक। मैं मेट्रो पर आ गई हूँ, ऑफिस जा रही हूँ, तो बहुत ही अच्छे से मेरे बाल कर्ली हुए थे, मतलब मज़ा आ गया था। सब लोगों ने मुझसे पूछा आपने बाल कर्ली कैसे किए, सुबह सुबह पार्लर में करवाई है क्या ये वो, बट मैंने ये घर पर ही किया। बहुत अच्छे से आप भी ऐसे कर सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। एंड मैं ऑफिस आ गई हूँ अब। गाइस हैप्पी दिवाली। देखिए छुप रही है लड़की, आज बहुत सुंदर सुंदर लड़के आई है साड़ी। हाँ यहाँ पे गाइस हम कुछ खाने जा रहे हैं क्योंकि आज हम लंच नहीं लेके आए हैं रेडी होने के चक्कर में। निशा तो मैं इतनी गोरी की दिख रही हूँ फिल्टर का सामान और मेरे फुंसियों का, तो कुछ खाते हैं मोमोज। बहुत दिन बाद आज मोमोज की वीडियो आएगी तो हम वही खाने जा रहे हैं, अपने फेवरेट मोमोज बहुत सही मिलते हैं यहाँ पे। इसने मुझे लत लगाई है, वैसे ही कम थी मुझे गुस्सा आ रहा है। गाइस आफ्टर लॉन्ग टाइम संतोषी हमें ट्रीट दे रही है, पंडगी तो खाइए देखिए। इस बार तो चिली पटेटो की और ग्रेवी मोमो, जल्दी जल्दी खा के खत्म करो क्योंकि आज हमारी दिवाली है। अब हमें क्या मिलेगा कोक ले ले वाला। हाँ मीठा ले। हाँ एक कितने? एक ही हो पहले। बड़ी? दो ले दो। ग्रेवी मोमोज। दो कोक। हाँ। कम सी। मोमोज भी आ गए हमारे। बोल रही। तुम लोग। कौन? ऐसा कुछ। जरा। आर। चटनी बोलो। तंदूरी वाली चटनी। तंदूरी वाली चटनी वाली किसान तंदूरी वाली डेंगू ना हो जाए। हालत खराब। अपनी खा ली मोमो वाले मोमोज खा लो। रेशम के साथ खाए थे ना आजकल। गाइस आज मैं ट्रीट दे रही हूँ, मोमोज ही मैंने मंगाए। मैडम तंदूरी वाली चटनी बोलता तो दे देते ना। ये तंदूरी तो बोला कि तुम जैसे तंदूरी बोल रहे हैं आप क्या सुन रहे हो अंकल? मैं तो जो चलता तंदूरी चटनी तो वो चली। सॉरी गलती हो गया, माफ करो। मोमोज दिखा। खाते के निकलते टाइम हो रहा है। पता नहीं मुंह में क्या हो रहा है हमारे, मेरे और निशा के दोनों के बीच बात नहीं हो रहा है। बंदर आ गया था गाइस। भैया थैंक यू करो। अरे यहां से घुस गया था मैडम को। करो अरे भैया कस्टमर आपने ऐसे दुकान खोल दी है। करो धन्ना मैडम को तुम आगे रख रही हो बोतल को। मैं
वैसे तो मैं और निशा ही जा रहे थे खाने, बट हमें रास्ते में ये दोनों भी मिल गए थे, संतोषी एंड कोमल, एंड हमने इनको ही चेप दिया, मतलब कि तुम ही पार्टी दोगे हमें, तो संतोषी ने हमें ये सब खिलाया था एंड बहुत मज़ा आया था गाइस, बहुत टेस्टी थे ये भी मोमोज एंड चिली पोटैटोज, बहुत अच्छे थे, मज़ा आ गया यार। मेरे कल्स देखिए कितने मस्त लग रहे हैं, एकदम ऐसे ही चले गए ऑल द टाइम, मज़ा आ गया, पेट इधर से साफ आ रही है, ऑफिस में खाएंगे भर भर के, मुझे भूल गई, अब लग रहा है दिवाली सही बने, गाइज ये व्लॉग यहीं पर ही ख़त्म होता है, अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, बाय बाय गाइज, हैप्पी दिवाली।